नमस्कार। कोविड 2019 का जो सवेरे पत्रकार मित्रों के साथ जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अब तक की सूचना इस प्रकार से है कि आज के कुल पॉजिटिव केसेस 23 हैं और आज एक दुखद मृत्यु की घटना भी हुई है जो कोविड 2019 के पेशेंट थे। और ये जो 23 केसेस हैं इनका अलग अलग किन जिलों किन शहरों के साथ इनका है कनेक्शन? अहमदाबाद के 16 केस हैं, आणंद का 1 केस है और वडोदरा के 6 केस हैं। इसके अलावा अब तक कुल टोटल जो पॉजिटिव केसेस गुजरात में हुए हैं 516, इसमें से अभी जिसे हम एक्टिव पेशेंट्स कहते हैं जो अभी फिलहाल जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल में हैं ऐसे 448, इसमें से 444 ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं लेकिन 4 ऐसे केसेस हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और 44 ऐसे केस हैं जो डिस्चार्ज होके अच्छे हो गए हैं और वो वापस घर भी चले गए हैं। आज एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का दुखद निधन हुआ था। ये एक 60 वर्ष की उम्र वाली एक महिला है। ये सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में थी। इनके लंग्स फेफड़ा की बीमारी भी है और अभी 24 घंटे दरमियान हमारे यहाँ कुल 2012 जितने टेस्ट किए गए थे जिसमें से 1632 नेगेटिव आए हैं, 48 जितने टेस्ट पॉजिटिव आए हैं पूरे 24 आवर्स में और अभी 332 टेस्ट पेंडिंग हैं। और अभी तक पूरे गुजरात भर में जो केसेस जिसका परीक्षण हुआ है 11,715 जितने टेस्ट हुए हैं और इसमें से पॉजिटिव 516 टेस्ट हैं और जिला वाइज भी डेटा दे चुके हैं। आज खास सबसे अनुरोध है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के जो अलग अलग गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो करें। इसमें खास करके जो जिससे हम रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फिर से सवेरे भी बताया गया क्योंकि ये बहुत ही महत्व की सूचना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दोहराया है। इसमें खास करके समशम की वट्टी 2-2 गोली दिन में 2 बार 7 दिन तक लेना इसमें सूचित किया गया है और अगर आपको विश्वास है अगर आप चूज करें आपको पसंद है तो ज़रूर निःशुल्क धोरण पर हमारे जितने भी आयुर्वेद की दवाखाने हैं डिस्पेंसरीज हैं सरकार की उसमें आपको ये निःशुल्क धोरण पर मिल जाएगा। इसी तरह से दिन में 2 बार 7 दिन तक दशमूल कवास पथ्यादि कवास कुल 40 ml और त्रिकुट चूर्ण 2 ग्राम का ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको होम्योपैथी में श्रद्धा हो तो आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी ये होम्योपैथी की गोली है जिसको आप दिन में 2 बार 4-4 गोली लेंगे 4 दिन तक। इसको एक बड़ी पैमाने में शुरुआत में भी हमने काफ़ी लोगों को दिया था, काफ़ी लोगों ने लिया भी था। अब फिर से हम सबसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपको इसमें विश्वास है तो ज़रूर आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए लेनी चाहिए, ले सकते हैं। नमस्कार।